Hey guys, it's Tarun and welcome back to the third episode of Minecraft Survival Series. So guys, पिछले वीडियो के कुछ पहले कमेंट्स पढ़ लेते हैं, उसके बाद इंट्रो रोल करेंगे. सो हेमंत चौधरी ने लिखा है कि आपको डायमंड्स कैसे मिल जाते हैं. सो उसका आंसर है भाई, मेरा माइन. सामने आपको मेरा माइन दिख रहा है, ठीक है. ये मैंने माइनिंग पूरा किया था इसको, और इधर मैंने स्टेयर्स लगा दिए, ठीक है. सो बेसिकली आंसर ये कैसा है कि मेरा ये माइन जो है ना, वो मेरे लिए सुपर लकी है, क्योंकि भाई पिछले एपिसोड में मेरे को यही माइनिंग से मेरे को 4 नहीं 5 नहीं 8 डायमंड्स मिले थे. एंड इधर मैंने बेडरॉक तक नीचे माइन किया, और इधर मेरे को रेडस्टोन दिखा था, मैंने रेडस्टोन माइन किया, फिर लैपिस दिखा, लैपिस माइन किया. उसके बाद मैं अंदर अंदर माइन करते गया तो मेरे को कुछ ऐसा दिखा, ब्लू कलर का चीज़, डायमंड्स. या गाइज, वी हैव गॉट डायमंड्स. सो आपको आंसर मिल ही गया होगा कि मैं क्यों इतना डायमंड्स ले पाता हूँ. अब मेरे को ये नहीं पता है कितने डायमंड्स है, बिकॉज कितना भी हो सकता है, मेरे को तो ये ऊपर से 4-5 दिख रहे हैं, बट हो सकता है ज़्यादा भी. अब पिछली वाले वीडियो में तो आप देख चुके थे भाई, सोचा था 4-5 निकलेंगे बट 8 निकल गए. सो आई थिंक सो वाले वीडियो में ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, बिकॉज बार बार इतने लकी नहीं होने वाले हम लोग. सो आपको तो आंसर मिल गया होगा, थैंक्स फॉर क्वेश्चनिंग अस. ऐसे ही आप हम लोग के साथ जुड़े रहिए हम लोग के वीडियो में, एंड आपको ऐसी कंटेंट्स में देता रहूँगा. सो एज यू कैन सी 5 डायमंड्स है इधर, मैंने 5 डायमंड्स, ओके. ऊपर से सिर्फ 5 डायमंड दिख रहे हैं, मैंने नीचे माइन नहीं किया है, ऊपर का से मैंने माइन कर दिया है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ आर माइनिंग. देख रहे ओके, चारों तरफ से देख लेते हैं, 5 डायमंड दिख रहे हैं मेरे को. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो हियर वी गो विथ आर फर्स्ट स्क्रीन शॉट, एंड लेट्स टेक फर्स्ट स्क्रीन शॉट. हो गया, स्क्रीन शॉट ले लिया, अब स्टार्ट करते हैं. ये एक डायमंड, ओ भाई साहब, नहीं वापस नहीं, वापस नहीं. 3 4 5 इसके भी नीचे है भाई 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 भाई. ये कितना हो गया, ओके. नाउ लेट्स चेक द इन्वेंटरी. नॉट डायमंड्स भाई, पागल हो जाऊंगा मैं अभी. कितने डायमंड्स हो गए, 8 + 9, वी हैव गॉट आई थिंक सो 17 डायमंड्स भाई. सो भाई मेरे को माइनिंग सेशन में भाई 17 डायमंड्स मिले, पागल हो गया मैं. सो भाई इंट्रो अब रोल कर लेते हैं. सो गाइज, बिफोर वी मूव अहेड इन दिस वीडियो, इफ यू हैवंट सब्सक्राइब आवर चैनल येट, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन. और आप देख सकते हैं इधर मैंने कुछ सजावटें की है. या सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल देख सकते हैं नॉर्मल मेरा घर है जैसा, मैंने कुछ चेंजेस नहीं किया, बस बाहर का थोड़ा चेंजेस किया है. एंड देख सकते हैं मेरे 9 डायमंड्स कितने भाई, देख के एकदम दिल खुश हो जाता है डायमंड्स देख के. सो भाई 8 9 डायमंड्स नहीं है सिर्फ, हम लोग के पास 8 और रखे हुए हैं हम लोग के चेस्ट में. देख सकते हैं कितना शाइन कर रहा है डायमंड, एंड भाई बहुत अच्छा लगता है जब डायमंड जैसे मिलते हैं तो. सो गाइज, अब हम लोग का हो गया डायमंड वायमंड का चक्कर सब हो गया, अब हम लोग आते हैं हम लोग के मेन मुद्दे पे. आज हम लोग करने वाले हैं भाई, हम लोग का जो घर है उसको हम लोग रिबिल्ड करने वाले, रिबिल्ड नहीं सॉरी, हम लोग मतलब इसके एक्स्ट्रा पार्ट हम लोग माइन करने वाले. नीचे हम लोग एक अंडरग्राउंड रूम बनाने वाले हैं, ठीक है, वो मैंने सोचा है. एंड अब देख सकते हैं 17 डायमंड, क्यों बार बार बता रहा हूँ, बट एनीवेज ये मेरे माइनिंग पे क्या था तो मेरे को कुछ मिले थे आयरन्स. बट अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपना जो है नीचे मैं माइन करके एक अपना रूम बनाऊँ, तो वही सोच रहा हूँ कि कहाँ से मैं स्टेयर्स ले जाऊँ. ओके, सो इधर मेरे पास एक्स है, इधर बाकी सब पहले सामान इकट्ठे कर लेते हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड इन्जॉय द टाइम लैप्स.
देख सकते हो कितना मेहनत लगा है करने में। मैंने बीच का पार्ट कट भी कर दिया था, और ये जो स्पेस मैंने छोड़ा है उधर मैं अपना चेस्ट लगाने वाला हूँ। सो अब उसके लिए चेस्ट बनाने पड़ेंगे, मेरे पास वुड की कमी नहीं है, तो अब चेस्ट बना लेते हैं और हम लोग का सिलसिला नीचे रूम का ख़त्म करते हैं। भाई एकदम बोर हो गया था मैं, सच में बता रहा हूँ। सो अब सबसे पहले तो चेस्ट बना लेते हैं। बहुत तो भाई बहुत सोचने के बाद मेरे को कुछ ऐसा डिज़ाइन सूझा मेरे दिमाग में, पता नहीं क्यों। अब इसको मैं और एक्सटेंड कर सकता हूँ, मैं बाद में इस तो देखूँगा, बट ये मेरे लिए ठीक है स्टोरेज सिस्टम, और मेरे लिए बहुत कन्वीनियंट होगा ये। इसके ऊपर मैं अपना आइटम बोर्ड लगा दूंगा, जिससे कि मेरे को पता चल पाए कौन सा चेस्ट किस चीज़ के लिए है। एंड ये मेरा स्टोरेज सिस्टम बन गया है, और अब क्या करना है मेरे को, अब जो करना है वो है इसको पहले लाइट अप करना है साइड साइड से, बिकॉज़ अभी बहुत अंधेरा लग रहा है। एंड भाई ब्लॉक क्यों डाल दिया मैं। ओके सो अब ये मेरा स्टोरेज सिस्टम कंप्लीट हो गया, बीच का थोड़ा पार्ट अंधेरा लग रहा है, कोई बात नहीं, उसको मैं बाद में फिक्स कर दूंगा। सो अब हम लोग बढ़ते हैं भाई अपने क्या फार्म, मेरा फार्म का जो था काम वो हो गया है, मतलब सब उग गए क्रॉप्स। सो उसको पहले निकाल लेते हैं, क्योंकि भाई मेरे को सच बता रहा हूँ बहुत सेटिस्फाइंग लगता है। आप खुद देखो, आपको सेटिस आप खुद तोड़ के देखो क्रॉप्स को, बहुत सेटिस्फाइंग लगता है। सो ये देख सकते हैं आप, मेरे सब के सब क्रॉप्स उग गए, इधर मेरे बैम्बूज भी उग गए हैं। सो लेट तो चलो फिर तोड़ते हैं बैम्बूज से, स्टार्ट करते हैं फिर। सो इधर हो गया हम लोग का काम, एंड आप देख सकते हैं फार्म भाई मेरा कितना ज़्यादा, मतलब देख सकते हो ऑलमोस्ट 3 स्टैक वीट के हम लोग को देता है ये। सो मेरे लिए फ़िलहाल तो ऑलमोस्ट मोर देन इनफ है फ़िलहाल के लिए तो। और देख सकते हो आप कितने सारी सीड्स मेरे को, अभी ये सीड्स का क्या करूँ मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ, बिकॉज सीड्स मेरे पास बहुत ज़्यादा होने वाले हैं इन फ्यूचर ऑल्सो। एंड अब मेरे लिए फार्म यूज़फुल है, मैं इसको फ्यूचर तक बचा के रखूँगा। और अब टाइम आ गया इन लोग की ब्रीडिंग का, बिकॉज मेरे को और गाय चाहिए, काउस चाहिए, जिससे कि मैं लेदर मिल सके मेरे को, बिकॉज लेदर का भी बहुत सारा यूसेज है, लेदर के भी बहुत सारे, बिकॉज मेरे को हर एक के लिए रिसोर्सेज को एक अपने डेफिनेट पोजीशन पे लाना पड़ेगा, एक मतलब सब एक अच्छे से हो जाएगा ना, तो फिर मेरे को फिर बार बार कोई भी रिसोर्सेज चाहिए, किसी को कुछ भी बनाना पड़ेगा, तो उसके लिए कोई रिसोर्सेज की कमी ना पड़े, ऐसा मैं चाहता हूँ। तो मैं सब चीज़ ना पहले फुल करना चाहता हूँ, बाद में उसके बाद मैं अपना सब कुछ बनाने वाला रहता हूँ। अभी समझ रहे हो ना, नहीं समझ रहे तो मत समझो, ठीक है। अब हम लोगों को क्या करना था, हाँ हम लोगों को करना था, अब हम लोगों को बनाना है थोड़ा लालटेन्स, बिकॉज अब देख सकते हो मेरा एकदम भाई
बहुत अंधेरा सा लग रहा है। तो इधर सबसे पहले मैं लालटेन बना देता हूँ, एंड उसके लिए मेरे को चाहिए होगा आयरन। सो इधर देख सकते हैं मेरे हर एक चेस्ट में मैंने अपने अलग अलग आइटम्स भर दिए, और इधर जितने भी केव्स के आइटम्स जो आयरन वो सब मिलते हैं वो सब मैंने इधर रख दिए, और स्टोन का अलग मैंने चेस्ट बनाया। सो इधर मेरे को आयरन मिल गया है, तो फटाफट पहले बना लेते हैं लालटेन्स। और इससे पहले मेरे को टॉर्चेस चाहिए होगी थोड़े से, बिकॉज मेरे पास टॉर्चेस नहीं है, मैं बनाने नहीं वाला, मेरा दिमाग ख़राब हो गया अभी बहुत ये कमरे को बना के, अब मेरे को कुछ करने का मन नहीं कर रहा। सो इधर हम लोग ने बना लिया बहुत सारे लालटेन्स, तो अभी मेरे को इसको लगा देना है अपने जगह पे। सो इधर मैंने 5 बनाया, तो एक इधर लगेगा कोने में, एंड एक लगेगा इधर, और एक लगेगा उस साइड, और एक को मैं लगा देता हूँ बीच में। इसके ऊपर लगेगा क्या? नहीं लगेगा। एक को मैं लगा देता हूँ बीच में, बिकॉज साइड में तो है वैसे भी, और इधर लग गया। और एक लास्ट बचा है, इसको कहाँ लगाऊँ? बीच में बेकार लगेगा, साइड में लगा देता हूँ एक टॉर्च को तोड़ के। ओके ठीक लग रहा है कि तोड़ दूँ इसको? तोड़ देता हूँ। भाई कितना टाइम लेता है तोड़ने में, छोड़ो रहने दो, बाद में तोड़ेंगे। तो इधर हम लोग का काम हो गया है, अब मेरे पास डायमंड्स है, तो अब हम लोग को क्या करना है? अब हम लोग को जो करना है वो है हम लोग का डायमंड पिकैक्स, डायमंड पिकैक्स बनाना है हम लोग को। या फाइनली हम लोग डायमंड पिकैक्स बनाने वाले हैं। या अब डायमंड पिकैक्स बनाने के लिए हम लोग को चाहिए होगा स्टिक्स और डायमंड्स। डायमंड्स मेरे पास बहुत सारे हैं, डायमंड्स क्योंकि हमें नहीं है, स्टिक्स इधर रहे, एंड इधर रहे हम लोग के डायमंड्स। डायमंड्स हम लोग को 3 चाहिए हो गए, मैं क्यों बता रहा हूँ आप लोग को मालूम ही होगा, बेसिक चीज़ें है। तो अब इधर चलते ऊपर और बना लेते हम लोग का डायमंड पिकैक्स। भाई तीसरा एपिसोड एंड हम लोग के पास हम लोग का डायमंड पिकैक्स, हियर वी गो। मज़ा आ गया भाई डायमंड पिकैक्स लेके हाथ में पकड़ने में, कैसा लगता है भाई। उससे पहले सो जाते हैं, और अभी चलने वाले हम लोग माइनिंग के लिए। भाई चलते हैं हम लोग माइनिंग के लिए। इधर मैंने अपनी नेसेसरी चीज़ें सब इकट्ठी कर ली, इधर मैं बकेट, और बकेट में वाटर भी, बिकॉज लावा है, तो लावा को हम लोग को ऑब्सीडियन में कन्वर्ट करने के लिए वाटर बकेट चाहिए होगा। अब जाने वालों में एक बहुत ही ज़्यादा दिमाग ख़राब करने वाली माइनिंग सेशन पे, बिकॉज माइनिंग सेशन मेरे को अच्छी लगती है तभी जब मेरे को कुछ रिसोर्स मिले उससे, ठीक है? और जब मेरे को सिर्फ और सिर्फ स्टोन मिले और बाकी सब कचरा मिले तो मेरे को अच्छी नहीं लगती। इधर से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड एन्जॉय द टाइम लैप्स। इधर मेरे को एक लावा लेक मिल गया है बहुत बड़ा सा, एक रवीन है शायद तक, पता नहीं। सबसे पहले तो इधर लावा डाल देते हैं, और मैंने बहुत ज़्यादा माइनिंग किया, आपको नहीं दिखाऊंगा मैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती फास्ट फॉरवर्ड करने के बाद भी, तो मैंने इसको नहीं दिखाया। बट जो भी हो, फाइनली मेरे को मिल गया है ऑब्सीडियन। तो इधर से बहुत सारे ऑब्सीडियन तोड़ लेते हैं। ओ भाई क्या लैग हो रहा है गेम। तो इधर ऑक्सीजन तोड़ लेते हैं, इतना टाइम लेता है भाई टूटने में। टूट गया था ओ भाई, टूट क्यों नहीं रहा? कूदो इसके साथ। ओ भाई मतलब कूदने पे टूट गए क्या था ये? ये देखो इसको भी भाई, इसके ऊपर नहीं कूदूंगा, इतने नीचे लावा है भाई, सच बता रहा हूँ। गेम ऐसा धोखा देगी तो फिर हो गया काम, फिर मैं माइनक्राफ्ट खेलना छोड़ दूंगा भाई।
इधर हम लोग आ गए हम लोग के माइनिंग सेशन, और अपना ऑब्सीडियन कलेक्ट करके बहुत बोरिंग था भाई, मतलब इतना टाइम ले रहा था टूटने में, बट कोई बात नहीं। अब हम लोग के पास डायमंड पिकेक्स आ गया है, एज यू कैन सी। अब हम लोग के पास ऑब्सीडियंस भी है। नेदर पोर्टल भी मैं नहीं बनाने वाला, बिकॉज नेदर पोर्टल मैं अब फिफ्थ एपिसोड में बनाऊंगा अभी। अभी हम लोग के पास 12 ऑब्सीडियंस है, तो इधर से हम लोग सबसे पहला जो काम है वो हम लोग कर लेते हैं। वी हैव टू मेक आर फर्स्ट फर्स्ट क्या एक ही बनाते हैं हम लोग, एनचैंटमिंग टेबल, एनचैंटिंग टेबल। ओके, एनचैंटिंग टेबल बनाएंगे हम लोग। तो उसके लिए हम लोग को चाहिए रहेगा बुक। ओके, हम लोग मेरे पास बुक नहीं है, तो अब बुक लेनी पड़ेगी भाई यार, अब सब बनाना पड़ेगा मेरे को। ओके, सो इधर मेरे पास बुक्स एक बुक मैंने बना ली है, और इधर मेरा ये रहा है एनचैंटिंग टेबल। ओके गाइस, बना लिया हम लोग ने एनचैंटिंग टेबल। सो भाई अब बताओ कि इसको बनाए कहाँ, ऊपर वाले रूम में बनाए, ऊपर वाले रूम में, ऊपर एक रूम बनाए, नहीं रहने दो इतना नीचे, फिर जगह किस लिए बनाया हम लोग ने। हाँ कोई बात नहीं, चलो नीचे चलते हैं और नीचे देखते हैं कहाँ रख सकते हैं। सो इधर मेरे पास है, और एक कहाँ रखे हम लोग इसको, बीच में रखे, नहीं बीच में क्यों रखेंगे हम लोग, साइड में रखेंगे ना, तो साइड में हम लोग रखते हैं इधर। बीच कहाँ है, ये कि ये ओके रख दिया है फाइनली। और अब हम लोग को चाहिए तो सिर्फ बुक शेल्फ। मेरे को मालूम था भाई एक दिन ऐसा करना पड़ेगा, इट्स मालूम है अच्छा नहीं लगता करने में, बट क्या कर सकते हैं, हम लोग को सरवाइव करना है तो ये सब करना ही पड़ेगा। बुक शेल्फ के लिए तो फिलहाल मैंने जिन लोग की जनसंख्या ख़त्म कर दी, मैंने 15 से 20 गाय को मारा होगा, पर मेरे को 10 लेदर मिला, ठीक है देख सकते हो 22 22 मेरे को मिला है, 22 बीफ मिले हैं, बट मेरे को 10 लेदर्स मिले, मतलब समझ सकते हो कितने सारे मैंने मारा है। और इधर मेरे को 12 बुक्स मिल गए हैं। देखते हैं अब हम लोग को कितने बुक शेल्फ बना सकते हैं। आई थिंक सो 3 या 4, 4 बना सकते हैं, एक बुक कम पड़ेगा, नहीं सारे बुक्स यूज हो जाएंगे। ओके, तो 4 बुक शेल्फ इज फिलहाल के लिए तो ठीक है, बाद में अभी गाय की जनसंख्या बढ़ेगी तो फिर बाद में लेदर आएगा, तो फिर उसके बाद बनाएंगे। अब इधर नीचे आ जाते हैं, एंड इधर एक, इधर एक, इधर एक, तीन हो गए, इधर एक, और नहीं इधर क्यों लगाया मैं, सब कुछ काम नहीं है वैसे तो। इधर एक कोने में मैंने लगा के गलती कर दी, अब मैं इसको तोड़ूंगा तो भाई मेरे को 3 बुक्स मिलेंगे। अरे यार अब इसको वापस बनाना पड़ेगा। इधर मैंने बना लिया इधर बुक, और मैंने थोड़ा सा, जज मत करो मेरे को, क्योंकि फिलहाल के लिए भी मेरे पास जितने बुक शेल्फ है उससे मैंने काम किया है, देख सकते हो बहुत बेकार सा मैंने बनाया। तो आपका क्या काम है। ओके, अब हम लोग को देख लेते हैं पहले हम लोग के डायमंड पिक पे हम लोग को क्या, कौन सी एनचैंटिंग मिल रही है, कौन सी। इधर हम लोग ने प्लेस किया लैपिस, और ये रहा हम लोग का डायमंड। ओके, अनब्रेकिंग 1, एफिशिएंसी 1, और अनब्रेकिंग 1 ओपस। ना ये सब नहीं चाहिए मेरे को, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, ले लो वापस। मेरे को इसको और अपग्रेड करना पड़ेगा, इसकी लेवल्स और बढ़ानी पड़ेगी, तब जाके मैं इसको अपने डायमंड पिक को एनचैंट करूँगा। तो फिलहाल के लिए तो भाई कोई मेरे को बताएगा ये क्या कर रहा है इधर, ओ भाई मार भी रहा है पीछे से, ये पिलेजर मेरे बूट में आके बैठ गया मस्त आराम से। भाई इससे दूर हो जाओ, इसको मारेंगे ना तो भाई बैड ओमेन इफेक्ट आ जाएगा। अब एक्चुअली मेरे पास अभी तक विलेज नहीं ढूंढा है कोई भी, तो भाई अब इसको वैसे ही रहने देते, डिस्पॉन हो जाएगा अपने आप, मेरे को बैड ओमेन। ओके भाई मेरे को एक और मिल गया इधर, और अब मैं इसको मार रहा हूँ, मेरे को नहीं पता मेरे को कितने सारे शॉट मार चुका है, मर मर जा तू। ओ मेरे को मालूम था, इधर मेरा एडवांसमेंट भी हो गया है, मेरे को बैड ह्यूमन इफेक्ट भी मिल गया है। अब इसका क्या करेंगे, इसको भी मार ही देते हैं ना, नहीं मार रहा। ओके मर जा तू, मर जा मर जा, बेड पे बैठे बैठे मर जा मर जा भाई। हाँ गया।
ओ भाई इसका बोर्ड कहाँ तैर के जा रहा है, इसका बैनर ले लो और इसको मैं अपने घर पे सजाऊंगा भाई। अब भाई मैं विलेज तो अभी इस एपिसोड में अगले एपिसोड में ढूंढूंगा फिलहाल तो। अब क्या कर सकते हैं। भाई दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो गाइज लाइक कर देगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड लोग के साथ। अब देख सकते हैं मेरे को बैड ओमेन इफेक्ट मिल गया है, क्या कर सकते हैं अब शायद तक इसके ख़त्म होने का इंतज़ार कर सकते हैं और कुछ नहीं। और अगले एपिसोड में, अगला एपिसोड जो होने वाला है उसका हिंट दे देता हूँ। अगला एपिसोड होने वाला है पूरा का पूरा फार्म से रिलेटेड, पूरा का पूरा फार्मिंग का काम होगा। फार्मिंग मतलब जैसे अभी मैं एक्सपी फार्म बनाऊंगा उस पर और भी बहुत कुछ करने वाला है। अगला एपिसोड पूरा बिल्डिंग के ऊपर होने वाला है। इसलिए बोल रहा हूँ सब्सक्राइब कर दीजिए एंड अब अगर आपको मेरी वीडियो देखनी है और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो, थैंक फॉर वॉचिंग, बाय।